हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शाहीन। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे नए रेसिपी को, जिसके लिए हमें चाहिए एक रॉ पपैया, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। हमें चाहिए घी, शुगर, कुटी हुई इलायची, किशमिश जो है ना ये ऑप्शनल है, और हमें चाहिए काजू एंड बादाम। और हमें पहले पपीता को जो है ग्रेट करके लेना है। तो ये मैंने ग्रेटर ले लिया है और एक बाउल जिसमें हमें ग्रेटर करके रखना है। और ये देखिए, इसे मैंने कट कर लिया, इसमें काफ़ी सारे सीड्स हैं एंड इसका जो स्किन है इसे हमें अच्छी तरह से पील ऑफ करके इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लेना है इस तरह से। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करना है क्योंकि इसे हमें ग्रेट करना है। ये देखिए, अब मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह से सारा हम ग्रेट कर लेंगे और ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, इस विंटर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप कैरेट हलवा तो बनाते ही होंगे और खाते ही होंगे, ये हलवा भी ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी टेस्टी एंड डिलीशियस बनता है। अब हम जो है ना इसे बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने पानी गर्म करने रख दी हूँ। ये देखिए, पानी के गर्म होते ही हम सारा ग्रेटेड पपैया इसमें ऐड कर देंगे। बॉईल आ चुका है, अब हम सारा ग्रेटेड पपीता इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसे 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बॉईल आ चुका है। इसे हमें फिर से अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लेना है एंड फिर से 5 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें रख देना है 5 मिनट के लिए। और एंड आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है और इसमें जो है ना ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और इसका एक थोड़ा सा बिटरनेस है वो चला जाता है। आप ज़रूर बना कर खाइएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। और अब दूसरे प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची, अब सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू एंड थोड़ा सा किशमिश, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक ही इसे हमें घी में भूनना है इस तरह से, नहीं तो जल जाएगा। आप इसे स्टिर करते रहिए। ये देखिए, अच्छी तरह से इसमें बबल्स आ चुका है घी का और अब ये लाइट ब्राउन होने लगा है। इसे हमें ज़्यादा देर नहीं भुनना है, नहीं तो ये जल सकता है। ये देखिए, लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बॉयल ग्रेटेड पपीता जो है इसमें ऐड कर देंगे। ये काफ़ी मस्त बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब घी में। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। इसमें हम मिल्क ऐड नहीं करेंगे, ये मिल्क के बिना ही काफ़ी टेस्टी एंड यम्मी बनता है। ये देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह, और बस अब इसमें हम थोड़ी ही देर में शुगर ऐड करने वाले हैं। इसे जो है ना घी में अच्छी तरह भूनना बहुत ही ज़रूरी है, इसका फ्लेवर जो है घी से ही आता है, ये रॉ पपैया हलवा। सो बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो हलवा रेसिपी है काफ़ी डिलीशियस बनता है। सो प्लीज़ ये ट्राई कीजिए। एवरी विंटर तो आप कैरेट हलवा खाते ही हो, दिस विंटर ट्राई दिस रॉ पपैया हलवा, डेफिनेटली यू विल लाइक इट। सो गाइस, इसी तरह से हमें स्टिर करना है कंटिन्यूसली एंड 2-3 मिनट्स के लिए ऐसे रख देना है आप लो फ्लेम में। एंड ये देखिए, आफ्टर 2-3 मिनट्स अब मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो शुगर लेवल, और इसे अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसे बस 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी क्योंकि जो शुगर है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए इसमें। ये देखिए, इसमें अभी से शाइन आने लगा है शुगर ऐड करने के बाद। इसमें हमें मिल्क ऐड नहीं करना है, ये जो रॉ पपैया हलवा है ये इसी तरह से बनता है।
और ये काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी भी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसी तरह से हमें मिक्स करते जाना है अच्छी तरह। ये है मेरा विंटर स्पेशल हलवा, रॉ पपैया हलवा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये सच में काफ़ी टेस्टी एंड बेहतरीन लगता है खाने, डिलीशियस। बस अब इसी तरह से थोड़ी देर और चलाएंगे इसे, एंड अब लीड लगाकर इसे 5 मिनट तक कुक होने देंगे लो फ्लेम में ही। देखिए एंड आफ्टर 5 मिनट्स आप लीड ढककर चेक करेंगे तो ये देखिए ये बनकर हमारा जो हलवा तैयार है। और अब जो बचा हुआ थोड़ा सा घी था वो इसमें ऐड कर देंगे। दैट्स इट, एंड इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब देख ही सकते हो कितना यम्मी लग रहा है अभी से, इतने अच्छे से बनकर तैयार है एंड एकदम शाइन कर रहा है मेरा हलवा। ये हमारा विंटर स्पेशल रॉ पपैया हलवा बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए एंड इंजॉय कीजिए। तो आज की अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपने फैमिली को। सी हाउ इट्स लुक्स, सो डिलीशियस एंड यम्मी। सो गाइस आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा, ये गर्म गर्म खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। सो गाइस अभी मार्केट जाइए एंड फ्रेश फ्रेश पपैया लेकर आइए और इसे बनाकर खाइए एंड अपने घर वालों को भी खिलाइए बनाकर। आप इसी तरह से बनाइएगा, ये काफ़ी टेस्टी होता है। और अब मैं आऊँगी मेरी नई रेसिपी लेकर बहुत ही जल्द, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय बाय।